सबसे पहले सूरग्नि का रुख करते हुए, सूरग्नि, ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी खुद कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। किस तरीके की तैयारी वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स की तरफ से आप देख पा रहे हैं? देखिए, ममता बनर्जी आज से नहीं बल्कि कल से ही वो स्टेट सेक्रेटेरिएट में है। कल रात भी वहीं पे रुकी थी। जब अम्फान आया था तब भी वो अपने ऑफिस में ही थी, कंट्रोल रूम में। एकदम सभी चीजों का वो मुआयना ले रही है। अगर हम एनडीआरएफ और इवैक्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो साउथ 24 परगना में 2.5 लाख लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है कोस्टल रीजन से, और यहाँ पर टोटल 9 लाख के आसपास, 8 लाख से अधिक लोगों को इवैक्यूएट ऑलरेडी सरकार ने कर दिया है। आम्फान से बहुत बड़ी सीख लेकर पश्चिम बंगाल सरकार इसको हल्के में नहीं ले रही है, और शायद इसी वजह से इसके लोगों को वो पीछे धकेल रही है। यहाँ का नज़ारा दिखा दें हम आपको बोखाली में। तेज हवाएं चल रही है सुबह से ही, बहुत ही ज्यादा तेज हवाएं चल रही है। अभी फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। लैंडफॉल हालांकि यहाँ से करीबन 200-250 किलोमीटर दूर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी उसका एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये यहाँ पे जितने भी दुकानें हैं, दुकानें तो बंद है लेकिन इनके इनके जो छत हैं वो परमानेंट नहीं है, एस्बेस्टस के है, टीन टीन का है, और उसी को बचाने के लिए यहाँ के लोग जी इसके ऊपर ये सीमेंट के बैग्स जो है वो रख रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे अपने दुकानों को बचाने के लिए ये लोग लास्ट मोमेंट में ये सेफ्टी के ये के आपके काम पास दीघा भी चलते हैं, वहां का हाल भी लेते हैं। अनुपम मिश्र वहां पर मौजूद हैं। अनुपम, जो ताजा तस्वीरें हैं वो तो दिखाइएगा ही, लेकिन पिछले साल अम्फान झेला है लोगों ने और इस साल यास तूफान सामने है। हालांकि यास की जो सिवियरिटी है वो अम्फान से थोड़ी कम थी, लेकिन उसके बावजूद ग्राउंड पर क्या हालात हैं, ये इशारा तो कुछ और कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो तटीय इलाके हैं प्रभावित हो रहे हैं, और प्रभाव किस तरह से पड़ रहा है वो मैं दिखा रहा हूँ। समुद्र तट के पास के इलाकों में पानी भर रहा है, और पानी भरने की वजह से घर मकान डूब रहे हैं, जो काफ़ी नुकसान हो रहा है। हालांकि जान का नुकसान उस हिसाब का नहीं है और पहले से ही इवैक्यूएशन कर लिया गया था, लेकिन कुछ जगहों पर जहाँ अनुमान नहीं था कि इस तरह पानी भर जाएगा, और वो भी समुद्र का पानी जो समुद्र से बाहर निकल कर लगभग 2-3 किलोमीटर तक पानी भरेगा, और ये विस्तीर्ण इलाका है जहाँ तक नजर जाएगी। और ये लोग देखिए ऊंची पांच जो दीवार है उस पर चल कर आ रहे हैं, क्योंकि नीचे जो पानी है वो कहीं कहीं गर्दन तक पहुंच चुका है, इतना पानी है। तो पानी से बचने के लिए जिन इलाकों में पानी घुस गया है वहां के लोग धीरे धीरे उन इलाकों को छोड़कर जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर आना शुरू कर दिए हैं। और इस तरफ अगर मैं दिखाऊं, मेरे इस तरफ सी बीच है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर सी बीच है, और वहीं से लगातार जो लहरें हैं वो आ रही हैं, बारिश भी हो रही है, तो थोड़ा सा बारिश का पानी और ज्यादा पानी है समुद्र का, तो इसकी वजह से जो तटीय इलाके हैं वहां पर समस्या शुरू हो गई है, बाढ़ की समस्या, फ्लडिंग की समस्या है, और ये कम से कम 2-3 दिन तक ये समस्या रहेगी, क्योंकि जो अनुमान लगाया गया था भारी से अति भारी बारिश का, बारिश हो रही है लेकिन अति भारी बारिश अभी तक हमने नहीं देखी है।